आज मैं केमिस्ट्री का अपना सबसे पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इस चैप्टर को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो ये पूरा 11th और पूरा 12th आपको परेशान करता है, और अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया तो आपके लिए जेईई नीट के प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब देखिएगा नाम पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे, आप ही से सॉल्व हो रहा होगा सारा प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर के बारे में एक बात कहूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा है तो पूरा 12th आपको सफर करना पड़ता है ना। और इस वीडियो के बाद अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है या फिर कोई डाउट रह गया है या फिर पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, 5 क्वेश्चन से करता हूं। इस चैप्टर की शुरुआत इन 5 क्वेश्चन के बिना अधूरा है। आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, पता तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहला सवाल किसी भी के दिमाग में आना चाहिए कि आखिर भैया हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, पढ़ते क्यों है ना। अगर हर बच्चे को यह पता चल जाए कि वो जो पढ़ रहा है वो पढ़ क्यों रहा है, तो पढ़ने में मन लगेगा उसका। केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम यही है कि बच्चा पढ़ क्यों रहा है उसको पता ही नहीं चल पाता है, और हम ना विजुअलाइज कर करके पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहला सवाल आप अपने दिमाग में सोचो कि आखिर पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, जरूरत क्यों पड़ गई, सबसे पहला सवाल आना चाहिए। दूसरा कि आखिर पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या है ना, थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि भैया कहां से आया, किन लोगों ने दिया, किन का फॉलो करते हैं, थोड़ा आइडिया रखना चाहिए। तीसरा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं सर, इतने सारे एलिमेंट्स तो पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट को कहां पे रखें, कैसे पता लगे, ये अगर सीख जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें, है ना। और चौथा, ये जो अब जो सर पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक देखते हैं, ये आज तक ये रहस्य है हमारे लिए, ये क्या है समझ में ही नहीं आता है ना। और पांचवा कि आखिर एलिमेंट्स अपना बिहेवियर बदलते कैसे हैं, सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कुछ और बिहेवियर हो जाता है, ऊपर से नीचे आते कुछ और बिहेवियर हो जाता है। अगर इन 5 चीजों से पर्दा हटा दिया हमने इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर को आप पूरी तरह से समझ गए हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। मैं इसको लिखूंगा नहीं, ऐसे मुंह से ही बता देता हूं। सबसे पहले सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझना, और कोई वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, सबको पूरा पूरा वीडियो देखेंगे, है ना, क्योंकि 11th के लिए 11th में अच्छी तैयारी रहेगी तभी तभी 12th अच्छा से शुरू कर पाएंगे आप। तो सबसे पहला सवाल भाई कि आखिर पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए शुरू शुरू में क्या होता था, बहुत कम एलिमेंट्स थे, और जब क्योंकि कम एलिमेंट्स थे तो उनको नाम से याद रख पाना बहुत आसान था, है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख पाना बहुत आसान था, उनके नेचर बिहेवियर को याद रख पाना बहुत आसान था, है ना। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, अब उनका नाम याद रख पाना बड़ा मुश्किल है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख पाना बहुत मुश्किल है। अब इसको ऐसा समझिए कि एक स्कूल है, स्कूल में मान लो शुरू शुरू में 5 बच्चे हैं, अब टीचर को सबका नाम याद रहता है, किस क्लास में है पता रहता है, है ना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्कूल बड़ा हुआ, अब 20 बच्चे हो गए, फिर भी थोड़ा मुश्किल सही, लेकिन सही सबका नाम याद रहता है, पता चलता है कि अच्छा ये रोहित है तो ये क्लास 3 में है, ये राहुल है तो क्लास 4 में है। लेकिन अगर उस स्कूल में बच्चे बढ़ते गए, तरक्की होती गई, जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बढ़ते गए हैं, तरक्की होती गई है, तो अब इतने सारे बच्चे हो जाते हैं स्कूल में कि अब टीचर्स के लिए नाम याद रख पाना मुश्किल होता है। तब वो क्या करते हैं, वो क्लास में बच्चों को बांटना शुरू करते हैं कि अच्छा चलो क्लास 1 में ये सारे बच्चे बैठेंगे, क्लास 2 में ये सारे बच्चे बैठेंगे, क्लास 3 में ये सारे बच्चे बैठेंगे। अब जब बच्चे और बड़े होते हैं तो फिर उनको हम सेक्शंस में बांटना शुरू कर देते हैं कि अच्छा क्लास 1 में क्लास 1 के ए में है, क्लास 1 के बी में ये बच्चा है। यही हुआ पीरियोडिक टेबल के साथ, यही हुआ एलिमेंट के साथ। शुरू शुरू में कम एलिमेंट्स थे तो उनको जहां हमने रखना शुरू कर दिया, भाई याद रह जाता था। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टी याद रख पाना बहुत मुश्किल हो गया, उनका नाम याद रख पाना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए हमें उनको पीरियोडिक टेबल में उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको जगह देना पड़ा हमें, इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या है, है ना। तो आइए कुछ पीरियोडिक टेबल का इतिहास देखते हैं हम। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री जानने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं, सभी सोचेंगे इस बारे में, है ना। मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको कि आखिर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों होता है, लिथियम का क्यों नहीं होता है, बेरिलियम का क्यों नहीं होता है, अरे सर नाइट्रोजन का क्यों नहीं होता है, आखिर हाइड्रोजन का ही 1 क्यों है, हीलियम का ही 2 क्यों है, सोचना है आपको, है ना। और सब मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, खैर मैं थोड़ी देर में आपको बता ही दूंगा। लेकिन इसी तरीके से सोचते हैं, जब भी आप कुछ पढ़े ना इसी तरीके से सोचे आप। आइए हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में किसी ने बताया तो वो लेवोइजर साहब थे। लगभग 1789 में लेवोइजर साहब ने, जब सिर्फ 33 एलिमेंट हुआ करते थे, उनको उन्होंने मेटल नॉन मेटल के बेस पर अरेंज कर दिया था। लेकिन बहुत दिन तक यह चला नहीं क्योंकि एलिमेंट्स बहुत तेजी से डिस्कवर हो रहे थे। उसके बाद 1829 में आए डोबराइनर साहब। डोबराइनर साहब का कुछ अलग ही कहना था, इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। अब लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा था कि ये मान लो 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इन्होंने कहा
कि मास ऑफ बी जो है, मतलब बी का जो मास है वो ए और सी के मास के एवरेज के बराबर होगा, ए और सी के मास के एवरेज के बराबर होगा, इन्होंने ये कहा, लॉ ऑफ ट्राइड्स। लेकिन ये भी बहुत दिन तक नहीं चला, और क्योंकि एलिमेंट्स बहुत तेजी से डिस्कवर हो रहे थे, तो एक और साइंटिस्ट आए 1866 में जॉन न्यूलैंड के नाम से, इनके टाइम तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। देखो कितने तेजी से एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, है ना। अब इन्होंने कैसे अरेंज किया था भाई, तो इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज कर दिया कि जिसका कम एटॉमिक मास है उसको पहले रख लेंगे, जिसका ज्यादा एटॉमिक मास है उसको ज्यादा उसको बाद में रख लेंगे, है ना। उसके बाद इन्होंने फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी दिया था जॉन न्यूलैंड साहब ने। इन्होंने क्या कहा था कि हर आठवां एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है, हर आठवां एलिमेंट, है ना। अब 1869 में मेंडली साहब आए, इनके टाइम तक देखिए 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब इन्होंने कैसे अरेंज किया, इन्होंने एक चीज बस ऐड किया कि चलो एटॉमिक मास बढ़ रहा है उस बेस पे तो हम अरेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी इनको हम अरेंज करेंगे। तो मेंडली साहब ने एटॉमिक मास के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इसको अरेंज किया। उसके बाद लास्ट में आए हेनरी मोजले साहब, लगभग 1913 में इन्होंने कहा कि जनाब एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टी ये सब नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर जो है ये ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फिर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का। अभी देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग सीखने वाले हैं, आपने ये शायद पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा आई डोंट नो, लेकिन बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं। और अभी इसका तुरंत जवाब जानेंगे कि आखिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों होता है, बने रहिएगा। हेनरी मोजले साहब ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किन्होंने दिया था, हेनरी मोजले साहब ने दिया था। कोई आपसे पूछता है कि आखिर किनका पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, तो हेनरी मोजले साहब ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, और हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। अब देखिए मैं मेंडली पीरियोडिक टेबल तो आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि यहां से ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं, और मेरा मानना यह है कि आप इस वीडियो के बाद हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है ना। हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर पढ़ाई करें तो ज्यादा बढ़िया है, तो आप वो कहीं देख लीजिएगा बुक में। मैं सीधा शुरुआत करने वाला हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, उसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीजें जो हम नहीं जानते जो हम अभी जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में हेनरी मोजले साहब ने यह तो बता दिया कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके बेस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, लेकिन हमें इसको प्रूफ भी करना था, है ना। और ये बड़ी रोचक घटना हुई है, ध्यान से समझिएगा इन्होंने किया क्या था, और आपको यहीं पर जवाब मिलेगा कि आखिर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो वही क्यों है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। मोजले साहब ने पता है एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरेज पे, किसके एक्सरेज पे, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एक्सरेज पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एक्सरे छोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्स फ्रीक्वेंसी के एक्सरे छोड़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के एक्सरे छोड़ रहे हैं। अब इनका दिमाग तुरंत क्लिक किया कि अच्छा एक बार जरा फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या होता है। इन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करने का सोचा, उन्हें रिलेशन देखना था इनको, तो इन्होंने देखा कि ये ग्राफ जो है वो तो लीनियर आ रहा है। फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि आखिर सब लोगों ने एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, तो आखिर वो कहां चूक रहे थे, कहां पे गलती हो रही थी, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, सब में कुछ ना कुछ कमियां थी। इन्होंने सोचा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच एक रिलेशन ग्राफ ड्रॉ करें तो शायद कुछ बात समझ में आ जाए। तो इन्होंने तुरंत से एक फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया, और इन्होंने जो देखा इनका दिमाग हिल गया और ये खुशी से पागल हो गए, है ना। इन्होंने क्या देखा समझिएगा, इन्होंने देखा कि एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब वो लीनियर नहीं है, कहीं ज्यादा हो जा रहा है कहीं कम हो जा रहा है। तब इनको पता चला कि अच्छा ये जितने लोग जिन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में वो गलत क्यों थे भाई, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच का जो ग्राफ था वो लीनियर था ही नहीं। तब इनका दिमाग काम किया कि अरे ये तो बहुत ही सटीक बैठ रहा है कि भाई जो कम फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। और इसी के बेस पे उन्होंने कहा कि भाई साहब एटॉमिक मास नहीं
बल्कि एटॉमिक नंबर ही वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा कितनी अच्छी बात आपने सीखी, आपने बस रट लिया कि चलो एटॉमिक नंबर है भाई। रीजन जानना होता है हर एक चीज का कि क्यों ऐसा हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग एक्सरे, जब उनके एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी का एक्सरे छोड़ रहे थे वो। तो इनका दिमाग तुरंत हिट किया कि अगर ऐसा हो क्यों रहा है, कोई एलिमेंट कम फ्रिक्वेंसी का एक्सरे छोड़ रहा है, कोई एलिमेंट ज्यादा फ्रिक्वेंसी का एक्सरे छोड़ रहा है। तो तब इन्होंने ग्राफ ड्रॉ करने का सोचा और रिजल्ट फाइनली आया और इन्होंने पूरे दुनिया में अनाउंस कर दिया कि भाई साहब एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसीलिए आप जो आज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया है, ना कि एटॉमिक मास के बेस पे। आपने अगर गौर से पीरियोडिक टेबल देखा हो तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज उसको पीरियड कहते हैं और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं, है ना। अब बहुत बच्चे ना इसे में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये हॉरिजॉन्टल रोज क्या है, वर्टिकल कॉलम क्या है, क्या पीरियड है, क्या ग्रुप है। जब मैं एग्जाम में जाता है एग्जाम का प्रेशर रहता है सर, याद ही नहीं रह पाता। चलो मैं आपको एक तरीका, मैं पहले दिखाता हूं फिर आपको एक तरीका बताता हूं इसको पहचानने का। देखिए ये पीरियडिक टेबल आपको दिख रहा है यहां पे सामने, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज जो है ना, ये जो लाइन बना हुआ दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल रोज, इसको कहते हैं पीरियड्स, है ना। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं इसको, कहते हैं ग्रुप, है ना। देखिएगा हॉरिजॉन्टल रो जो वो पीरियड होता है और ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ऐसा सोया हुआ दिखेगा, सोया हुआ ऐसे याद रखना। और ये ना सात होता है, सेवन पीरियड्स होते हैं, ऐसे याद करो कि सोया हुआ है तो सात होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहते हैं, पीरियड, सोया हुआ है सात होगा वो, है ना। और ये वर्टिकल कॉलम्स जो ग्रुप है, ये उठा हुआ है, ये 18 होता है, 18 ग्रुप होता है ये। और अगर याद करना है तो थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद कर सकते हैं इसे। क्लास में ना हर एक पीरियड में सोने का मन करता है हम लोगों को, है ना, नहीं मन करता है क्या? जो कोई बोरिंग पीरियड होता है सोने का मन कर जाता है क्लास, स्कूल में कई बार तो हम सो भी जाते हैं। तो देखो ये पीरियड होता है ना, पीरियड उसमें सोने का मन करता है, तो ऐसे जब सोया हुआ कुछ दिखे वो पीरियड होता है, ऐसे याद रखना। सोया जो होता है पीरियड होता है, कितना होता है वो सात होता है, और जो उठा हुआ रहता है वो 18 होता है, उसको ग्रुप कहते हैं। तो हर पीरियड में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे देखिएगा ये पहला पीरियड है, पहला सोया हुआ है ना तो पीरियड होगा, ये पहला पीरियड इसमें दो एलिमेंट है, ये दूसरा पीरियड है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तीसरे पीरियड है कुछ इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और इसमें एक बहुत ही मजेदार चीज है, और अभी हम सब मैजिक देखने वाले हैं ना, हम सब के लाइफ में अभी जादू होगा। जादू क्या होगा, पूरा पीरियडिक टेबल हमारे ऐसे हाथ पे याद हो जाएगा हमको, है ना, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला पढ़ने में आपको। ये जो सेवन पीरियड्स होते हैं ना भाई, सात पीरियड होते हैं, है ना। और यहां पे हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है इसमें टोटल दो एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये जो सेकंड पीरियड है इसमें टोटल आठ एलिमेंट्स होते हैं। जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड इसमें भी टोटल आठ एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड है इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ पीरियड है इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। सिक्स पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। टोटल इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं भाई, है ना, हर एक पीरियड में इतने इतने एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो नंबर देख रहे हैं आप, ये जो नंबर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मैजिकल नंबर्स। मैजिकल नंबर्स है मतलब कुछ ना कुछ मैजिक होगा यहाँ पे, और हम सब अभी मैजिक सीखने वाले हैं, है ना। मैजिक क्या होगा आइए देखते हैं भाई। ये जो मैजिकल नंबर है, ये पीरियडिक टेबल में अगर आपको याद और इसका एप्लीकेशन पता है तो देखना नीट का कितना बड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा। अभी हम 10 मिनट के अंदर एक नीट का और जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, और आप सबसे सॉल्व होगा। आखिर भाई क्या मैजिक है भाई, कितने लोग मैजिक देखना चाहते हैं? अभी मैजिक क्या है ध्यान से समझिएगा, मतलब सिर्फ अगर ये याद रहे ना आपको, पूरा पीरियडिक टेबल आपको हाथ पे याद रहेगा। ऐसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आइए कुछ लिखते हैं, जैसे इधर लिखते हैं। चलो आपके पीरियडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कौन सा होता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर लीना की रूबी मतलब पोटेशियम, फिर रूबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। अब सर हमें ना सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है, मान लो 1 होता है, सिर्फ हाइड्रोजन का पता है सर। अब हमें सबका एटॉमिक नंबर पता करना है सर, ये कैसे होगा? आपने तो मैजिक बोलने दिखा, मैजिक दिखाने बोला है, कुछ मैजिक दिखाओ तो माने हम, है ना। सिर्फ ये नंबर याद रखना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, और सेवेंथ पीरियड में भी 32 होता है, इसको भी याद रखना है 32। सिर्फ इसको, इस नंबर को याद रखिए, पूरा पीरियडिक टेबल आपके हाथ पे याद रहेगा आपको, है ना, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अब इसके जस्ट नीचे आ गए हम, जस्ट नीचे, हमें नहीं पता कि लिथियम का कितना है, याद भी नहीं करना है। सुनो लिथियम का कितना होगा, पहले से नीचे जा रहे हैं भाई, पहले वाले नीचे जा रहे हैं तो 2 जोड़ देंगे। लिथियम का कितना होता है, 3। देखो पीरियडिक टेबल में, अपना बुक निकाल के देखिए सामने, 3 है, ये तो याद भी होगा आपको। अच्छा मैजिक तो अब शुरू होगा,
सर दूसरे में जैसे ही नीचे आएंगे ना सर, आठ जोड़ देंगे सर, मैजिक शुरू हो जाएगा सर। एट देखो, आठ और तीन ग्यारह, सर सोडियम का तो ग्यारह होता है, कितना अरे मजेदार, मजा आ गया सर। अच्छा अब और मैजिक शुरू होगा, एक बार और नीचे आएंगे तो आठ जोड़ेंगे, तो सर ग्यारह में अगर हम आठ जोड़ देंगे तो ये उन्नीस हो जाएगा सर। पोटासियम का तो सच में उन्नीस ही होता है, मजा आ रहा है। अच्छा एक और देखिएगा, उन्नीस में अब कितना जोड़ेंगे, आठ हो गया अठारह, नीचे आ जाओ अठारह प्लस एटीन, सर उन्नीस में अठारह जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़िए भाई मेरा कैलकुलेशन ऐसे ही बहुत वीक है, सब जोड़ेंगे जोड़ेंगे कितना होता है, कितना होता है 37 होता है, 37 चलो इसका 37 सर, पीरियोडिक टेबल आप निकाल के देख लीजिए, रुबिडियम का सच में एटॉमिक नंबर 37 होता है। अच्छा अब एक और नीचे आ रहे हैं सर, एक बार और 18 जोड़ देंगे हम, एक बार और 18 जोड़ देंगे, है ना, देखो 2 8 8 18 18 अच्छा 37 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यदि 8 साल कितना हो जाएगा, 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55 होगा, 55 ही होना चाहिए, 55 हो जाएगा सर। मतलब कि अगर हमें ये जो सोया हुआ जो पीरियड है, सात पीरियड है, सिर्फ ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर याद रहे तो हमें पूरे पीरियड टेबल का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा सर। क्यों? बस ये मैजिकल नंबर की वजह से। आपको मजा आया? तो ये मैजिक जो है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, है ना, पीरियड टेबल निकालिए, अब देखिए आप एक कोई भी ऊपर वाला का लिखिए और उसमें आठ जोड़िए, फिर क्या जोड़िए, फिर आठ जोड़िए, फिर अठारह जोड़िए, अठारह जोड़िए, बत्तीस जोड़िए, और एटॉमिक नंबर उसी हिसाब से आता जाएगा। अब करके देख लीजिएगा, हम क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, और अभी तुरंत तुरंत अभी 5 मिनट के अंदर एक नीट का सवाल सॉल्व करेंगे, और आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा, अब देखना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर की क्या जरूरत है सर? देखिए क्या हो रहा था, एलिमेंट्स ना बहुत तेजी से डिस्कवर हो रहे थे, उनका नाम भी याद रखना था ना, अब उनका नाम याद कैसे रखा जाए, तो IUPAC ने एक टेम्पररी नेम सजेस्ट किया, है ना, कि आप ये टेम्पररी नाम रख सकते हैं, उसका उन्होंने एक सिस्टम बताया, और उस सिस्टम को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर तुरंत एक मिनट के अंदर एक नीट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना, और आप ही करेंगे, मैं नहीं करने वाला। इन्होंने कुछ टेम्पररी नाम सजेस्ट करने के लिए कुछ डिजिट दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर होगा तो कुछ डिजिट होगा, जैसे 101 होगा, 102 होगा, 96 होगा, 95, कुछ तो होगा ना, तो डिजिट दिया भाई, फिर उसका उन्होंने नाम दे दिया भाई, नेम दे दिया। इन्होंने कहा कि जीरो को आपको उन बोलना है, उन, वन को बोलना है, सॉरी जीरो को नील बोलना है, नील, वन को बोलना है उन, टू को बोलना है बाई, थ्री को बोलना है ट्राई, फोर को बोलना है क्वाड, फाइव को बोलना है पेंट, सिक्स को बोलना है हेक्स, सेवन सेप्ट, एट ऑप्ट, नाइन को इन बोलना है, इन, है ना। अब इन्होंने ये दे दिया, और देखना कितना आसान है, आप सब करके देखिएगा, मेरे साथ साथ कीजिएगा, प्लीज प्रैक्टिस करते चलना है। अभी हम तो 2-4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर तुरंत एक नीट का क्वेश्चन करेंगे, देखना जो 2022 में पूछा गया है। अब इन्होंने कहा कि अगर मान लो मुझे 101 का नाम लिखना है, 101 सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, 101 का नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर पहला कि 101 का नाम लिख के बताओ भाई, 101 का, तो एक के लिए क्या यूज है, उन, सॉरी एक के लिए, हाँ उन है, तो देखिएगा एक के लिए क्या हम यूज करते हैं, उन यूज करते हैं, उन। अच्छा जीरो के लिए क्या यूज करते हैं, नील, नील यूज करते हैं, फिर एक के लिए क्या यूज करते हैं, उन, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, प्लस IUM, तो नाम क्या हो जाएगा बताइए, उन नील उन यम, जैसे उन नील उन यम, देखो इसका नाम क्या हो गया, उन नील उन यम हो गया। अच्छा अगर यही मुझे 105 का नाम लिखना हो, 105 का बताइएगा, एक के लिए क्या यूज करते हैं, उन, उन यूज करते हैं। अच्छा जीरो के लिए नील, पांच के लिए पेंट, और लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, ईएम, तो नाम क्या हो गया, उन नील पेंटियम, इसमें एक साथ लिख देते हैं, उन नील पेंटियम लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। चलो 108 का लिख के बताइए, 108 का आप लिख के बताइए, चलो मैं ही बता देता हूं, 108 का लिख के बताना है आपने, 8 के लिए क्या यूज होता है, ऑप्ट, एक के लिए क्या यूज हो रहा है, उन, आठ, जीरो के लिए निल, आठ के लिए ऑप्ट, और लास्ट में क्या यूज, क्या लगा देते हैं, ईएम, ईएम ईएम सब में लगा देना है, ऐसे मंत्र जैसा याद कर लो, ईएम 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 सब में, जैसे कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वैसे ईएम ईएम याद कर लेना आपको। चलो इसको एक साथ लिख देते हैं, उन निल ऑक्टियम, देखा कितना आसान है। अब मैं आपसे एक नीट का क्वेश्चन करा रहा हूं, आप करेंगे, मैं नहीं करने वाला, है ना, और भाई नीट वीट बहुत आसान है, एक बार ना प्रैक्टिस की चीज है, स्पीड और एक्यूरेसी आ जाते हैं, नीट आराम से हो जाता है
है ना। और बिना बच्चा ना अगर प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी कर लिया उसने, एक बार भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, 2-4-5 हज़ार क्वेश्चंस करके नहीं गया, तो बड़ा मुश्किल उससे नीट निकल पाना। तो हम ना क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए ना, हमने एक नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 22 पूछा गया है, यहां बताऊं? चलो यहां बताता हूं भाई, 119 है, 119, और इसका नाम बताना है, यूपीएससी नाम बताना है, और ये एक सवाल है नीट 2022 का, नीट 2022 का सवाल है। देखो बहुत तुरंत से पूछा है, क्या हो रहा होगा इसका नाम कौन बताएगा भाई? चलो, एक के लिए क्या यूज होता है भाई, उन, देखना कितना आसान है, फिर एक के लिए फिर से उन, अच्छा नाइन के लिए इन, अरे ये क्या हो रहा है, इन इन उन इन उन इन उनके इनके हो रहा है बहुत, तो है ना, देखो उन इन, अरे उन उन इन, फिर क्या हो गया इम, तो क्या हो जाएगा नाम, उन उन इनियम, क्या हो जाएगा भाई, उन उन इनियम, अजीब सा नाम लग रहा है बोलने में, उन उन इनियम हो जाएगा, हाँ हाँ उन उन इनियम ही हो जाएगा, है ना। तो देखो कितना आसान था, यही छोड़ो नहीं, ये 118 का नाम अगर ले दे, 118 का दे देता नाम मान लो, कि और बोलता कि आईयूपीएसी नाम लिख दिए, कैसे लिखते, एक का उन, फिर एक का उन, फिर आठ के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट लास्ट में ईएम, तो क्या हो जाता, उन फिर ऑक्टियम, देखा कितना आसान था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना। और इस तरीके से इसी तरीके से सवाल पूछते हैं नीट में, और कितना आसान है, चार नंबर ऐसे ही हो जाता है ना। तो बिना प्रैक्टिस के अगर आप जाएंगे भाई तो हार के आएंगे, और प्रैक्टिस के साथ जाएंगे तो जीतना तो तय है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि सर आपने ये बता दिया कि पीरियड टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, सर आपने ये बता दिया कि पीरियड टेबल की हिस्ट्री क्या है, आपने ये बता दिया कि आखिर एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया गया है, आपने ये बता दिया कि एटॉमिक नंबर पहले क्यों आता, एटॉमिक नंबर बाद में क्यों आता है ना, आपने ये भी बता दिया कि एटॉमिक नंबर ही ऐसी चीज थी जिसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया, ऐसा क्यों हुआ था, आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बता दिया, आपने को जादू वादू भी दिखा दिया, इतना तो हो गया। अब जरा ये बताइए कि आखिर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखते कैसे हैं, कहां रखें, है ना, ऐसे तो रख नहीं देंगे कि कोई बच्चा एडमिशन हुआ किसी क्लास में बिठा नहीं देंगे, उसका कुछ क्राइटेरिया होता होगा ना, रखते कैसे हैं। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में रखते कैसे हैं, लेकिन उसको सीखने से पहले हम सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीखना होगा। अब बहुत बच्चों को बोलते हैं हमें तो आता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं, 85% बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता ही नहीं है सर, है ना, क्लास में बताया गया था क्या, तो 1:2, 2:2 ऐसा कुछ दिमाग में रहा ही नहीं। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं है उनका, और उनका केमिस्ट्री अच्छा करना, उनसे नीट निकलवाना है, उनसे जेई निकलवाना है ना। तो आइए सबसे पहले ना 5 मिनट समय निकाल के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद हम ये पता करेंगे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि एलिमेंट्स में पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को किस जगह पे रखते हैं और क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, है ना। आइए सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीख लेते हैं सर, और मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूं, इतना जरूर बता दूंगा कि सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना शुरू कर देंगे, सब लिखेंगे, किसी को आता होगा तब भी, नहीं आता होगा तब भी, सब लिखेंगे। पहले एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल होता है एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, फिर एस, बहुत अच्छे से कभी इसको और समझेंगे, लेकिन इतना जरूर बता दे रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट का आपको मिले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आराम से लिख पाए। अब ये 1s होता है, ये 2s होता है, ये 2p होता है, ये 3s होता है, ये 3p होता है, ये 3d होता है, ये 4s होता है, ये 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है, ये 5s होता है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, सबको पता होना चाहिए, पता ही होगा अब तो। अच्छा, फिर s ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं भाई, 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, सबको पता है। अच्छा, p ऑर्बिटल में +4 करते जाते, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, +4, तो 2 + 4 कितना, 6 भरते हैं। अब +4 कितना होगा भाई, इसमें 10, देखो 6 × 4 = 10, डी में कितना भरते हैं, 10 तो। अब एफ में कितना भरते हैं, एफ में तो 10 × 4 = 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऐसे 4-4 का गैप होता है, एस में 2 फिर 4 + 4, पी में 6 + 4, डी में 10 फिर +4, एफ में 14 होता है। और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ऐसे है, देखना, ऐसे पहले ऐसे ऐसे भराता है, ऐसे
ऐसे भरते हैं हम लोग। अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1s2 पहले, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, 5s2, ऐसे लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है। आओ कुछ एलिमेंट्स के लिख के देख लेते हैं फटाफट फटाफट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाइड्रोजन का लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे यहां लिखते हैं फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम का भी लिख, चलो मैग्नीशियम का लिखते हैं, फिर एल्यूमिनियम का लिखते हैं, इतने का फटाफट लिखते हैं ना जल्दी से। चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एक, इसका दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, इसका नौ, इसका कितना होता है दस, ग्यारह, बारह, तेरह, इतना का। चलो एक बड़ा सा लिखा भी लिखते हैं, पोटेशियम का भी लिखते हैं, उन्नीस का, फटाफट जल्दी से ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर कितना, एक, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना, वन एस, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बेचारा एक ही भरा पाएगा, वन एस वन, देना ध्यान से। फिर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, दो, तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, दो, क्यों होता है, क्योंकि जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई होता है, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या भराता है, इलेक्ट्रॉन भराता है, ध्यान से समझना। हीलियम का कितना, दो है भाई, तो 1s2 हो गया खत्म, देखो हो गया आराम से। अच्छा लिथियम का कितना होता है, तीन, तो 1s2, दो इलेक्ट्रॉन भरा गया, एटॉमिक नंबर कितना है, तीन, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीन, अब बचा कितना, एक, तो 2s1, हां सर इतना आसान था, हाँ जी इतना ही आसान था। बेरिलियम का कितना भाई, बेरिलियम, तो 1s2, 2s2, देखो दो और दो चार इलेक्ट्रॉन हो गए, इतना इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए कि फंडा क्या है, तभी देखना मैच के देखेंगे, फिर से नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ध्यान से समझना। बोरोन का कितना होता है, पांच, पांच इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, देखो भरा, फिर 2s2, चलो चार इलेक्ट्रॉन निपट गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2p1, अच्छा ऐसे भरते हैं, हाँ जी ऐसे भरते हैं। चलो कार्बन का कितना, छह होता है सर, छह इलेक्ट्रॉन है सर, पहले इसमें भरेंगे 1s2 भरेंगे सर, फिर 2s2 भरेंगे सर, फिर 2p, कितना बचा है, चार भरा चुका है, कितना बचा, दो बचा है, समझ आ रहा है राजू तुमको, हाँ समझो, 2p2 बचा सर, हो गया है ना। चलो नाइट्रोजन का कितना हुआ भाई, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का चलो सात इलेक्ट्रॉन है, पहले इसमें भरते हैं 1s2 सर, फिर 2s2, अब तीन बचा है, भरा कितना जा सकता है, छह, बचा कितना है, तीन, भर देंगे ना सर, भर देंगे, बेचारा छह रोटी खा सकता है, तीन रोटी दे सकता है, तो देंगे ना इसको। अच्छा ऑक्सीजन का कितना, आठ होता है, क्या भाई देखो 1s2, 2s2, 2p, कितना बचा है, 2p, कितना राजू समझ में आ रहा था ना, कितना होगा, अरे बताओ भाई आठ होता है, चार, वेरी गुड वेरी गुड, देखो राजू समझ गया, इसको पढ़ाई छोड़े आठ साल दस साल हो गया, जब ये समझ गया आपको भी समझना चाहिए, आप तो पढ़ रहे हो, है ना, समझ आ रहा है राजू, नोट्स बनाते चलना है मेरे बात, तुम्हें पढ़ाना है केमिस्ट्री। चलो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, नौ है, तो आओ भरते हैं, वन एस टू, टू एस टू, सर चार भर आ गया, पांच बचा हुआ है, अच्छा टू पी फाइव भर सकते हैं सर, भर सकते हैं, वेरी गुड, अच्छा ऐसी फिर वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, भर गया सर, देखो चार और छह दस हो गया, आओ समझते हैं, ग्यारह, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, देखो दस हो गया है और एक और बच गया, उसके बाद टू पी सिक्स के बाद कहां आता है, थ्री एस टू में, थ्री एस वन है, वन होगा ना, भरा जा सकता है दो, लेकिन बचा हुआ एक ही, तो एक ही देंगे भाई, जितना घर में खाना होगा तो वही खाएंगे ना हम सब। अच्छा मैग्नीशियम का लिखते हैं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, टू पी सिक्स के बाद क्या आता है, थ्री एस, कितना भरा जा सकता है, दो, और कितना बच गया, दो, देखो थ्री एस टू भर दिए, कितना आसान था यार, कितना आसान था। एल्यूमिनियम का भरो, एल्यूमिनियम का लिखो, चलो एल्यूमिनियम और सोडियम, मैं आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क करना है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, इस तरीके से। अब सर जब आप ये बता रहे थे कि एलिमेंट्स को कहां रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आखिर इतना सिखाने बताने की क्या जरूरत थी, जरूरत थी। ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में ये देखो, ये टू आ रहा है लास्ट में, ये टू आ रहा है, यहां थ्री आ रहा है, यहां थ्री आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम जो लास्ट में आपका जो एन का जो वैल्यू आ रहा है, एन का वैल्यू वही होता है उसका पीरियड, वही उसका बताता है पीरियड, क्या बताता है पीरियड। जैसे अगर मैग्नीशियम में एन की वैल्यू क्या है, इसको एन कहते हैं, एन, एन,
लास्ट वाला जो आता है ना, लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वहां जो एन, ये जो होता है ना, ये 1 2 3 जो दिख रहा है, ये ऑर्बिटल होता है, सॉरी ये क्या होता है, एन होता है, एन। और एन की वैल्यू जो होती है वही उसका पीरियड होता है। तो अगर ये पता कर लो कि मैग्नीशियम किस पीरियड में रखा जाएगा पीरियड टेबल में, तो ये तीसरे पीरियड में रखा जाएगा। आप कॉपी कॉपी खोल के देख लीजिए, पीरियड टेबल खोल के देख लीजिए, तीसरे पीरियड में होगा वो। सर ये पहले पीरियड में होगा सर, ये पहले पीरियड में होगा सर, ये दूसरे पीरियड में होगा सर, ये दूसरे पीरियड में होगा सर। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के और एन की वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में होगा। सर ना बात समझ में नहीं आया, थोड़ा 2-4-5 क्वेश्चंस करा दीजिए तो मजा आ जाए, है ना। और हम तो क्वेश्चंस कराने के लिए फेमस है ना। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आज ये फास्फोरस का देखते हैं। फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है, 15, और पूछ रहा है कि ये किस पीरियड में होगा, ये बता दो किस पीरियड में होगा। पीरियड क्या होता है, सोया हुआ, ऐसे सोया हुआ है, पीरियड में नींद आता ना, सोया हुआ। और कितने पीरियड होते हैं, 7 होते हैं, याद रखना भाई। पूछ रहा है किस किस पीरियड में होगा, आइए देख लेते हैं ना किस पीरियड में होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले लिखना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद जो एन की वैल्यू आएगी वही उसका पीरियड होगा, है ना। इसमें इसका पीरियड निकालना, चलो निकालते हैं ना। चलो 1s2, 15 इलेक्ट्रॉन है ना, 15 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1s2, 2s2, 2p6, देखो 10 भरा जा चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है, बचा कितना 5। इसमें कितना भरा जा सकता है, 3s2, बचा कितना 3। इसमें कितना भरा जा सकता है, 6, लेकिन भरेंगे कितना, 3p3। सर एन की वैल्यू तो 3 आ गई सर, एन इक्वल्स टू क्या, यहां पे 3, और नंबर एन की वैल्यू बराबरी क्या होता है भाई, उसका पीरियड। तो किस पीरियड में होगा, पीरियड कौन सा होगा, ये थर्ड पीरियड में होगा सर। आप पीरियड टेबल उठा के देख लो, ऐसे किसी भी एलिमेंट का उठाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, और आप उसका पीरियड आप बता पाएंगे बड़े अच्छे से। यहां पे एक नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही क्या होता है, इसका पीरियड होता है। क्या होता है, पीरियड डिटरमाइन इट्स पीरियड। मतलब जो हाई, इसको क्या कहते हैं, एन, तीन को क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। एन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एन की जो वैल्यू होगी वही उसका पीरियड होगा। इसको बस दिमाग में रखिएगा, नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भाई तुरंत से करेंगे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस, बड़ा मजा आएगा देखिएगा, है ना। तो इसको दिमाग में रखना है। अब सर चलो आपने ये भी बता दिया कि कैसे रखते हैं, है ना। अच्छा ग्रुप वाला बाकी है, अभी ग्रुप वाला बाकी है, ब्लॉक वाला बाकी है, अभी उसी पे आ रहे हैं। आपने ये तो बता दिया कि कैसे रखते हैं, मतलब किस पीरियड में रखेंगे, ये पता चल गया हम लोगों को। लेकिन आपने कुछ एक सवाल पूछा था मेरे से शुरू में, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, कि आखिर ये एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। फिर आपने कुछ ग्रुप के बारे में कुछ कहा था सर, ग्रुप आपने कहा था कि उठा हुआ है तो 18 होगा, है ना, ऐसा कुछ बताया था आपने। जरा उसके बारे में बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि हम सिर्फ एटॉमिक नंबर देखें और ये बता पाएं कि कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा ग्रुप होगा, तब मजा आए सर, है ना। चलो फिर वो समझते हैं, पहले ब्लॉक वाइज समझते हैं कि आखिर ये एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। थोड़ा सा सबर कीजिएगा, हम इस चैप्टर को ऐसे कवर करेंगे कि 1% का डाउट नहीं बचेगा आपका, आप क्वेश्चंस बहुत करेंगे, है ना। इसलिए जब आप पढ़ रहे हो नोट्स भी बनाते चले और क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, और जब रिवाइज करें तो इसी वन शॉट को एक बार रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा आपका। चलिए भाई आखिर ये ब्लॉक क्या है, भाई देख लो एक बार, आपको कुछ ऐसा पीरियड टेबल दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, आपके बुक में है ऐसा कुछ पीरियड टेबल बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, और ऐसे ये सब जो है ना एक नीचे ऐसा दिख रहा होगा, माफ कीजिएगा मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। ये जो होता है ना, ये होता है एस ब्लॉक, क्या होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, और ये होता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। आखिर एस ब्लॉक क्या है, इससे पर्दा उठाते हैं अभी, पी ब्लॉक क्या है, इससे पर्दा उठाते हैं, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है, सबसे पर्दा उठाते हैं अभी, और एकदम शॉर्ट में इतना पढ़ेंगे जिससे से काम चल जाए। बहुत अच्छी लाइन है एक, है ना। देखो हम गलती क्या करते हैं ना, हम पढ़ना इतना चाहते हैं, लिखना इतना चाहते हैं, और सोचना तो चाहते ही नहीं है। लेकिन अगर किसी भी कॉम्पिटिशन में आपको कामयाब होना है तो इसका 3 रूल है भाई। क्या रूल है, पहला कि पढ़ो कम, इतना स्टडी मटेरियल बहुत छोटा होना चाहिए, लिखो उससे ज्यादा, है ना, और सोचो उससे भी ज्यादा, क्योंकि दिमाग का काम सोचना है, दिमाग का काम याद करना नहीं है।
याद का काम, याद करने का काम तो कुछ और है भाई, तोता होता भी याद कर लेते हैं। आपका काम क्या है? सोचना। इंसानी दिमाग को विकसित ही भगवान इसलिए किया ताकि वो सोच सके, इनोवेट कर सके, लेकिन हम इसको रटने के लिए यूज करते हैं। बच्चा ना तुरंत से स्टडी मटेरियल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका स्टडी मटेरियल बनाएगा, उसका बनाएगा, उसका बनाएगा। 10 लोगों के स्टडी मटेरियल उन्होंने ले लिया है, पढ़ रहे हैं इतना, रिविजन तो हो नहीं पा रहा है, लिख रहे इतना, और सोचना एकदम बंद कर दिए, क्योंकि दिमाग ब्लॉक हो गया ना। दिमाग ब्लॉक क्यों हो गया? इतना क्वेश्चन, इतना सारा स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, अब कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला गया, कुछ बन ही नहीं रहा है ना। और हर वो पढ़ाई बेकार है जिसका रिवीजन नहीं किया जा सकता, इसलिए पढ़ना कम है। तो मैं जो बता रहा हूं ना, मोर देन इनफ है ना। इसको बस दिमाग में रखिएगा कि आखिर एस ब्लॉक किसको कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक में आते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक किसको कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम, सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस ऑर्बिटल, अगर एस ऑर्बिटल में गया तो एस ब्लॉक होगा। फॉर एग्जांपल, सर जरा एग्जांपल से बताइए, आप एग्जांपल बताते ही रहते हैं। चलो जैसे ये सोडियम है, मान लीजिए क्या है, सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। चलो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? एस ऑर्बिटल में गया सर, तो एस ब्लॉक होगा सर। बस बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, एकदम एस ब्लॉक में जाएगा ये। अच्छा दूसरा सर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट क्या है सर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट है वो है ns1 and ns2। देख रहा हूं, जैसे देखो ये क्या है n, हमने सबने पढ़ा ना कि इसको n कहते हैं, ns1, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ns1 जैसा। अच्छा ns2 वाला एक उदाहरण दे दो तो माने सर आपको। चलो देख लेते हैं, 12 मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। सर देखो 10 और 2 12 हो गया ना, देखो ns2 आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट क्या आ गया? ns1 और ns2। देखा मजेदार था। तो इस तरीके से पढ़ना होता है। अब तीसरी चीज जो आपको दिमाग में रखना है कि इसमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आते हैं एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं। बस इसको दिमाग में रखना है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर आपने 11th पढ़ लिया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से उसका जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। मैं अभी आपसे इसका जवाब नहीं देने वाला क्योंकि हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको जवाब दूंगा अलग चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने पढ़ा है तो आपको पता है क्या कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे कारण है, ऐसे नाम थोड़ी दे दिया जाएगा। और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, मुझे अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, वैसे नहीं पता हो तो कमेंट करने में ज्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, अपना पढ़ाई कीजिएगा। चलो पता है तो जवाब दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊं आपके लिए और बेसिक वीडियो बना पाऊं। ये बस यही एस ब्लॉक है और कुछ भी नहीं है। अब एस ब्लॉक में दो एक्सेप्शंस हैं, मेरे से छूट गया था, एस ब्लॉक में दो एक्सेप्शंस हैं, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं भाई। पहला क्या है? पहला एक्सेप्शन, हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, है ना, ये एक्सेप्शन है, ये एस ब्लॉक नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल जैसा करने लगता है, कभी हैलोजन जैसा करने लगता है, आप देख लीजिएगा ना। दूसरा, हीलियम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो इसका कैसा है भाई, इसका कैसा आएगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम क्या हो जाएगा? 1s2, दिख तो रहा है एस ब्लॉक जैसा, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो पी ब्लॉक जैसी होती है, इसलिए इसको पी ब्लॉक में देखिएगा। हाइड्रोजन इधर है तो हीलियम एकदम इधर है, ऐसे एकदम अपोजिट है ना, इन दोनों में दरार है भाई, ये कभी मिल नहीं सकते, देखो एकदम आपको ऐसे लास्ट छोर मिलेगा पी ब्लॉक में। तो ये हीलियम जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है पी ब्लॉक जैसी होती है, इसको बस दिमाग में रखना है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होता। अच्छा पी ब्लॉक चलिए पढ़ते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या भाई, पी ब्लॉक में पढ़ना कितना है, एकदम कम पढ़ेंगे ज्यादा सीखेंगे, कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट लाएंगे, है ना। चलो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे पहला भाई वही लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कहां जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कहां जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अच्छा दूसरा क्या है, ग्रुप 13 से लेकर
ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहां किस में होते हैं भाई, पी ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट था, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट हर एक ब्लॉक का याद रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अहम है, आपको हर एक जगह पे काम आएगा 11th में भी और 12th में भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट है वो क्या है भाई, NS2NP1 से लेकर NS2NP6 तक है। अब सर ये क्या भला है, जरा करके बताओ, आपने तो NS2NS1 करके बताया था, ये जरा करके बताइए, आइए देखते हैं। ग्रुप 13 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा भाई, बोरोन, कार्बन, फिर 14 कौन है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है, ये 14 का है, ये 15 का है, ये 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, आप सामने निकाल के बैठिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, तब हमें पता लग पाएगा ना कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट है ऐसा है कि नहीं। आइए देखिए बोरोन का लिखते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आपको, अरे बताओ भाई क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अच्छा पांच होता है, चलो पांच एटॉमिक नंबर होता है इसका, पांच, चलो आ जाओ भाई पांच, 1s2 2s2 2p 2p1 हो गया। अच्छा देखो यहां पे ns2 और np1 आया है। अच्छा इसको कार्बन का सिक्स होता है ना एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p2 है सर। अच्छा सर ये तो ns2 और np1 जैसा है सर। अच्छा ये ना ns2 np2 जैसा है सर। अच्छा नाइट्रोजन का देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p3, ये तो सर ns2 और np3 जैसा है सर। इसका देख लेते ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4 आ गया। अच्छा NS2 और NP4 जैसा लग रहा है सर कुछ ये तो। अच्छा ये 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा ना, पांच, फ्लोरीन का कितना होता है, नौ एटॉमिक नंबर होता है, तो दो और चार और पांच नौ। और इसका नियॉन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p6, मतलब कि इसका देखो अगर आप NS2 और NP5 जैसा है और इसका NS2 और NP6 जैसा है। ध्यान से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट है पी ब्लॉक का कैसा है, NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक, मैंने आपको करके भी बता दिया। अब इसे डिटेल में क्या पढ़ाऊं मैं आपको, ये करके बता दिया हमने आपको ना। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को साथ में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। चलो मैं कहीं लिख देता हूं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को साथ में, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि इस तरह के सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं नीट रूट में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को साथ में क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा, या फिर मेन एलिमेंट्स कहा जाता है, मेन एलिमेंट्स, या फिर मेन एलिमेंट कहा जाता है इसको, इसको अपने दिमाग में रखना है ना। चलिए हमने पी ब्लॉक भी देख लिया, एस देख लिया, पी देख लिया, अब ये डी देख लेते हैं। एक एक चीज गौर कीजिएगा, पी ब्लॉक के लास्ट में हर बार नोबल गैस आएगा, करके देख लेना आप, पी ब्लॉक के लास्ट में हर बार नोबल गैस आता है, करके देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा। नियॉन क्या है, नोबल गैस है, उसके नीचे कुछ और आएगा वो भी नोबल गैस होगा, उसके नीचे कुछ और आएगा, तो लास्ट वाला जो है ना वो हमेशा नोबल गैस आएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एसपी पढ़ लिया, डी पढ़ के देखते हैं, डी में क्या है भाई, डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक को जरा समझते हैं। सबसे पहली चीज भाई, पहली कहानी वही होती है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर डी ऑर्बिटल कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, इनर डी ऑर्बिटल में जाता है, है ना। दूसरा भाई इसमें ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं इसमें, कौन कौन से आते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, और इसीलिए इसको ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका भी रीजन है, जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना पता चलेगा आपको, पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, N-1D 1 से लेकर कितना भाई, N-1D 1 से लेकर 10 तक, और NS2
एन माइनस वन डी वाई एक से लेकर 10 तक और एन एस टू यही है, बस इतना ही याद रखिएगा आप डी ब्लॉक में, है ना। और क्वेश्चंस कैसे रहते हैं अभी तुरंत देखेंगे 2 मिनट के अंदर, नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3, टेंशन मत लीजिए। अब साथ ही साथ लगे हाथ देख लेते हैं इफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इफ ब्लॉक सबसे पहला, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ ऑर्बिटल। अच्छा, दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट याद रखिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप सब पढ़ रहे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एन माइनस टू एफ वन टू 14, एन माइनस वन डी एक से लेकर दो जीरो से लेकर एन माइनस वन डी जीरो से लेकर वन होता है, सॉरी जीरो से लेकर वन, और एन एस टू होता है। ध्यान से समझिएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रहता है, एक बार देख लीजिएगा, कभी पूछ लिया तो आप टिक करके आ जाइएगा। तो बस इतना याद रखना है। तो सर आपने तो चलिए ब्लॉक से भी पर्दा हटा दिया कि आखिर ब्लॉक को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जब तक नहीं कराएंगे ना क्लैरिटी नहीं आएगी सर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, जब तक ये पता ना रहे कैसे चलेगा काम, है ना। तो आओ पहले एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम तुरंत से क्वेश्चन करेंगे कि आखिर इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है जेईई और नीट में, है ना, ताकि हमें आइडिया लग पाए कि हमें किस तरह से तैयारी करके जानी है। आइए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप। हमें पीरियड निकालना आ गया, हमें ब्लॉक पता करना आ गया। पीरियड क्या क्या होता है भाई, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं टाइम, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन होता है, एन क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही उसका पीरियड होता है। चलो पता चल गया, पीरियड कितने होते हैं 7 होते हैं, सोया हुआ 7 ऐसे रहेगा, ऐसे पीरियड टेबल में ऐसे दिखेगा आपको। अब ब्लॉक कैसे पता करें सर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वही उसका ब्लॉक हो जाएगा, इसमें जा रहा है तो एस होगा, पी में जा रहा है तो पी होगा, डी में एफ में जिसमें जा रहा है वही ब्लॉक होगा। अब सबसे अहम सवाल, आपने तो ग्रुप भी पढ़ा है ना, ग्रुप भी बताया है, तो अब हाउ टू फाइंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। चलो हाउ टू फाइंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, अगर ये भी पता चल जाए तो हम तो बहुत इजीली ये बता पाएंगे सर कि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको उसकी जगह क्या है पीरियोडिक टेबल में। आइए देख लेते हैं भाई, सर आपने ये बता दिया सर कि सर पीरियड कैसे निकालते हैं, तो आपने बताया कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन जो होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या होता है पीरियड होता है। सर आपने ये बता दिया कि किस ब्लॉक में एलिमेंट, कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाएगा वो उसी ब्लॉक का होगा। अच्छा सर आप ग्रुप बता दो सर कि किस ग्रुप में होगा, अगर ग्रुप पता लग जाए, हमें ये पता लग जाए कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें ये पूरी तरह से पता लग जाएगा कि कोई एलिमेंट पीरियड टेबल में कहां पर रखा जाएगा, ब्लॉक क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, और ये तीन चीज तो पता लगना चाहिए ना। तो अब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करें, तो हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग तरीका है। अब इस ब्लॉक में कैसे करते हैं, तुरंत एक क्वेश्चन कर लेंगे, आ जाओ। इस ब्लॉक में इसका जो ग्रुप होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या रहेगा, उसका ग्रुप रहेगा। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लाइक सोडियम है सर, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक सर, यही तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ये पहले ग्रुप में है सर, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप है सर। अच्छा एक और उदाहरण दो तब माने, अच्छा चलो जैसे मैग्नीशियम है क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका ग्रुप बताइए। अरे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और इस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या हो जाता है, ग्रुप होता है। कैसे पता चला इस ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, इस ब्लॉक में जा रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे पी ब्लॉक में भी निकालने का कुछ अपना तरीका होगा, पी ब्लॉक का कुछ ना कुछ तो तरीका होना ही है ना, क्या होगा भाई, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल क्या होता है देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता ना 1s2 2s2 2p2 हो गया सर, 2p2। अब इसका ग्रुप पता करना है सर, हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है पी में, तो पी ऑर्बिटल तो है सर, मतलब पी ब्लॉक का है। अच्छा सर पी लास्ट में देखो हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2, तो अगर मुझे इसका ब्लॉक पता करना हो, ब्लॉक तो ब्लॉक कौन सा है पी ब्लॉक है सर, पी ब्लॉक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अच्छा अगर इसका पीरियड पता करना हो सर, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होता है, एन का वैल्यू क्या होता है, पीरियड, तो सर 2 सेकंड पीरियड में है सर,
सेकेंड पीरियड है, लेकिन अभी ग्रुप बता कर रहे हैं सर, ग्रुप ग्रुप क्या होगा इसका, ग्रुप बताओ, ग्रुप क्या फॉर्मूला बताया है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, पी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, तो 12 प्लस दो कितना हो गया, 14th ग्रुप में ये आता है, 14th ग्रुप, अब करके देख लो, पीरियड टेबल उठा के देख लीजिए, 14th ग्रुप में आता है, है ना। अब जरा डी ब्लॉक का बता दीजिए सर, डी ब्लॉक का हमें एस का पता चल गया कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप होगा, हमें पी ब्लॉक का पता चल गया कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल हो जाएगा, सर डी ब्लॉक का क्या होगा, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए जरा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबशेल, एन माइनस वन डी सबशेल, अभी एग्जांपल दे रहे हैं टेंशन मत लीजिएगा, एन माइनस वन डी सबशेल, एक उदाहरण लेते हैं समझते हैं, एटॉमिक नंबर है मान लिया 21, स्कैंडियम का होता है, शायद स्कैंडियम का ही होता है, देख लीजिएगा गलती भी हो सकता है, 21 का निकालते हैं, 21 का, 21 का, आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तो मुश्किल है भाई, विडंबना है ना, लिखना ही पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 10, और फिर 4s2 फिर 3d कितना हो जाएगा, 1 होगा, देखते हैं पड़ेगा, 10 हो गया और 21 हो गया, चलो 21 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, चलिए भाई अब हमें पता करना है क्या, पीरियड, फिर पता करना है ब्लॉक, फिर पता करना है ग्रुप, चलो करते हैं, पीरियड क्या होता है सर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है सर, 4 है सर, 4 है, एन का वैल्यू हाईएस्ट जो रहता है वही उसका पीरियड रहता है, देख लो, फोर्थ पीरियड में होगा सर ये, फोर्थ पीरियड में होगा सर, फोर्थ पीरियड होगा ये, अच्छा ब्लॉक कौन सा होगा, अब सर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया होगा वही ब्लॉक होगा, लेकिन अब सर मेरे पास एक समस्या है, समस्या क्या है सर, फोर्थ 4s2 ये है और 3d1 ये है, अब मैं कंफ्यूज हूं सर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया कि इसमें गया, है ना, तो इसीलिए भाई एक रूल है n प्लस l रूल, n प्लस, इसको याद रखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत दबा के, अभी देखना सारे क्वेश्चंस बनेंगे, n प्लस l रूल, n प्लस l रूल होता है इसके लिए, n प्लस l रूल, अगर आपको यह पता करना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, तो उसके लिए n प्लस l रूल होता है, n क्या होता है भाई, n, चलो n तो पता ही है, देखो ये n, 4n है, 3n है, l क्या होता है, l, s ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू है वो 0 होती है, p के लिए होती है 1, d के लिए spd, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है, और जिसका n प्लस l का वैल्यू ज्यादा आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा और वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, अब देखना जरा, 4s है और 3d है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया सर, अब ये लड़ाई है सर, चलो देखते हैं, 4s में, 4 में भाई n की वैल्यू क्या है, 4 प्लस s, s में l की वैल्यू क्या है, l, 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा सर, ये तो 4 हो गया सर, 4, 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 4 हो गया, अच्छा इसमें पता करना है सर, n की वैल्यू, n प्लस l करना है, n कितना है 3, प्लस l, d के लिए l क्या होता है 2, ये तो 5 हो गया सर, n प्लस l की वैल्यू ज्यादा लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा, मतलब ये d ऑर्बिटल, d, d ब्लॉक का एलिमेंट है सर, d ब्लॉक का है, समझ में आया, जब भी ब्लॉक पता करना हो एक बार n प्लस l रूल जरूर देखना जब भी आप नीट टूट का पेपर बना रहे हो, अच्छा ग्रुप बता दीजिए सर, ग्रुप बता दीजिए क्या फॉर्मूला है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n माइनस 1 डी सबशेल, देखो ये n है तो ये n माइनस 1 हुआ, n है 4 तो n माइनस 1 क्या हुआ 3, n माइनस 1 में कितना है 3, ग्रुप क्या हो गया, अरे ये तो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है सर, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है ये, देखो ऐसे बनता है सवाल और फिर ऐसे आता है मजा सवाल बनाने में, आइए अब इफ ब्लॉक पढ़ते हैं फिर 3-4 क्वेश्चन करेंगे फिर आपसे 2 क्वेश्चन नीट का कराएंगे फिर मजा आएगा देखना, और इफ ब्लॉक का पढ़ते हैं पहले, इफ ब्लॉक, डी ब्लॉक हमने पढ़ लिया अब पढ़ते हैं इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक में ग्रुप कैसे पता करें सर, पहले इफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बता दो, ग्रुप कैसे पता करें ये बता दीजिए तो शायद थोड़ी सी बात बन जाए, है ना, हमें थोड़ा समझ में आ जाए, देखिए इफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख ही नहीं सकते, नहीं लिखा जा सकता, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं, तब अब सबसे अहम सवाल है कि सर आखिर ये इफ ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या, कौन से एलिमेंट्स इफ ब्लॉक में आते हैं, तो ये जो 57 से लेकर 57 से लेकर 71 तक जो होता है वो होता है लैंथेनोइड्स, क्या होता है लैंथेनोइड्स, और ये सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, इनका पीरियड क्या होता है 6, मतलब अगर पूछ ले कि जैसे 57 किसमें आएगा लैंथेनोइड, पीरियड 6, ऐसे बस याद रखना,
57 से लेकर 71 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सिक्स पीरियड एलिमेंट है। इसको लेंथ एक जगह रख लिया गया, इस तरह के एलिमेंट्स को मैंने क्या कहा, पीरियोडिक टेबल में एक तरीके के एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया। देखो रखा गया कि नहीं इनको, लेंथनॉइड्स को। अब उसके बाद 89 से लेकर 103 एलिमेंट्स तक के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कहा गया एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, और ये होते हैं सेवेंथ पीरियड एलिमेंट्स। पीरियड क्या है इनका, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवेंथ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड एलिमेंट्स है भाई। अच्छा अब ग्रुप क्या होगा सर, तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सबका ग्रुप जो होता है वो होता है तीन। क्या होता है, थर्ड ग्रुप में ये सब लाई करते हैं, थर्ड ग्रुप में क्या होता है, कौन से ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप। तो जब भी आपको 57 से लेकर 71 तक या फिर 89 से लेकर 103 तक वाले एलिमेंट्स देखें, सिंपल ग्रुप आप थर्ड ग्रुप कर देना, 57 से 71 वाले सिक्स्थ पीरियड और 89 से 103 वाले सेवंथ पीरियड। इसको बस याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे सर मजा नहीं आएगा सर। आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एक नीट का क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, चलो मैं तब जब तक बोर्ड में बताता हूं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके करके बताइए। अगर 19 एटॉमिक नंबर है, किसका, पोटेशियम का, इसका आपको पीरियड बताना है, इसका आपको ब्लॉक बताना है, इसका आपको ग्रुप बताना है। चलो बना के दिखाइए, 19 एटॉमिक नंबर है, किसका होता है, पोटेशियम का होता है। चलिए करके बताइए, मैं बोर्ड में बताता हूं। हाँ चलिए जल्दी से बताइए, चलिए मैं ही कर देता हूं, मैं ही कर देता हूं। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका सबसे पहले लिखना पड़ेगा, अगर ये तीनों पूछा जाए नीट में अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो कैसे निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s क्या हो जाएगा, देखते हैं, 2 2 4 10 और 8 18 1 19। अच्छा हो तो गया सर, 19 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया सर, ये तो 4s वाले में गया है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, s ब्लॉक हो जाएगा सर, s ब्लॉक हो जाएगा सर। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी है, 4 है सर, क्या हो जाएगा, फोर्थ पीरियड हो जाएगा सर, फोर्थ पीरियड हो जाएगा सर। अब ग्रुप पता करना सर, s ब्लॉक वाला एलिमेंट है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इसका ग्रुप होता है, ग्रुप तो वन हो गया। इतना आसान था, बहुत आसान था सर। अच्छा चलो 23 वाला करके दिखाइए, आप 23 वाला करके दिखाइए, 23rd का करके दिखाइए, जस्ट एक मिनट 23rd का करके दिखाइए तब मानेंगे, करके दिखाइए, तब तक मैं नीट का एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं आपको तुरंत दूंगा। 23rd का करके दिखाना है तुरंत से, 23rd का, चलो मैं ही कर देता हूं। इसका क्या क्या बताना है, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना है, चलो मैं ही बता देता हूं। आइए 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना बचा है, 2 2 4 10 और 10 20 कितना बचा, 23, तो कितना हो जाएगा, 4s2 फिर 3d3 हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा, चलो हो गया। अरे ऐसे लिखते हैं ना, आप करके देख लीजिएगा कॉपी में, अभी तुरंत लिखाया है मैंने, अब बैक करके भी देख लीजिएगा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं सर। अब यहां पे 4 है और यहां पे 3 है, पीरियड तो पता चल गया सर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होता है, ये बार 4 4 हाईएस्ट वैल्यू यही है, तो पीरियड तो पता चल गया कि फोर्थ पीरियड है, लेकिन सर किस ब्लॉक में गया अभी हमें पता नहीं चला है सर, है ना, क्योंकि यहां पे 4s है और 3d है, n प्लस l रूल लगाएंगे, इसका n कितना, 4 + 0, s के लिए, s के लिए l की वैल्यू कितनी, 0, p के लिए कितना, 1, d के लिए 2, f के लिए 3, n प्लस l रूल लगा लीजिए, n और 0, यहां तो 4 आ गया, 4, अच्छा इसके लिए 3 प्लस डी के लिए कितना होता है, 2, सर 5 आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा, लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाना है, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा सर। ग्रुप बता दीजिए, डी ब्लॉक का क्या बताया था मैंने, याद कीजिए, एस का बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी का बताया 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, डी का क्या बताया, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1 डी सबसेल, 2 प्लस n माइनस 1 डी सबशेल में कितना है, ये n माइनस 1 डी सबशेल है ना, कितना, ये n है तो n माइनस 1 ये हुआ ना, कितना है, 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया सर, फिफ्थ ग्रुप रहेगा सर। इतना आसान था सर। अब आ जाओ एक नीट का क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT, है ना, AIPMT 1993 का सवाल है ये,
क्वेश्चन है कि अटोमिक नंबर जो है मतलब z इज इक्वल टू कितना है 33। अटोमिक नंबर को ऐसे z से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन है ये 1993 का क्वेश्चन है भाई, है ना भाई, मेरे जन्म से बहुत पहले का सवाल है ये, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा सा सीखेंगे कि अपने जन्म से पहले का सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, तब मजा आएगा ना भाई, तब सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए आइए, इसका हमें बताना है पीरियड, इसका बताना है क्या बताना है भाई, ग्रुप बताना है, ग्रुप बताना है कि इसका ग्रुप क्या होगा। तो हम ग्रुप क्यों बताएं, हम सब कुछ बताएंगे ना, हम ज्यादा पढ़ चुके हैं, अब मेरे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, ग्रुप बताएंगे इसका, इसका पीरियड बताएंगे और इसका ब्लॉक भी बताएंगे। चलो पूछा है ये ग्रुप ही, सिर्फ पूछा है ग्रुप, है ना। चलो क्या कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले, है ना। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 33 वाले का लिखेंगे। आ जाओ कैसे लिखेंगे सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 33 और 33 हो गया ना, तो 2 2 4 6 10 हो गया सर, और फिर 10 20 हो गया सर, और 10 30 हो गया सर, उसके बाद क्या बचता है 3d10, फिर क्या हो जाएगा 4 3d10 के बाद क्या हो जाएगा, 3d10 के बाद क्या होगा कोई बताएगा, 3d10 के बाद क्या होगा 4p3 हो जाएगा भाई, 4p3 आपको करना सिखाया मैंने, देख लीजिएगा 4p3 हो जाएगा। देख लो कितना हो गया, 10 और 10 20 और 13 कितना हो गया, 33 हो गया। अब हमें पता करना है सर, अब पता करना है इसका ग्रुप पता करना है। अरे भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, देखो पी में जा रहा है, पी में जा रहा है, एन प्लस एल करके भी देख लेते हैं ना, एन प्लस एल करके देख लेते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। एन की वैल्यू यहां पे कितना 3 प्लस डी के लिए भाई 2, तो कितना हो गया सर 5 हुआ सर। अच्छा यहां पी, पी 4 प्लस पी के लिए कितना 1, आ सर 5 5 आ रहा है, नीट इतना इजी सवाल थोड़ी पूछता है, अब कंफ्यूजन हो गया सर, आपने तो बताया था कि n प्लस l की वैल्यू ज्यादा लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। अरे घबराना मत, अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसी में रहेगा, लास्ट वाला जो है ना वही मेन होता है। तो कौन सा भाई होगा, कौन सा होगा ब्लॉक, कौन सा होगा ब्लॉक, ब्लॉक बताओ ब्लॉक, अरे ब्लॉक वहां दिख रहा है, कौन सा ब्लॉक है राजू, पी ब्लॉक है ना, देखो राजू को समझ आएगा तो आपको भी आना चाहिए भाई, पी ब्लॉक का है एलिमेंट। और एस पी, पी वाला क्या होता है, पी वाला, पी का फॉर्मूला क्या है ग्रुप निकालने का, सर आपने तुरंत बताया था कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल 12 प्लस 3, आ सर ये तो 15 आएगा, 15th ग्रुप, 4 नंबर मेडिकल में पक्का, इतना इजी होता है सर क्वेश्चन, ऐसे हमारे यहां के बच्चे थोड़ी नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तुरंत, है ना। चलो अब ब्लॉक बताना है ब्लॉक, अरे पी ब्लॉक तो यहां लिखेंगे ना, पीरियड में लिख लिया, पी ब्लॉक, पीरियड बताना सर, सर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन तो 4 ही है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, सॉरी यहां देखो 4 ही है, 4 हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है 4, तो 4 पीरियड हो जाएगा। उसने पूछा था हमसे ब्लॉक ग्रुप, हमने ब्लॉक बता दिया, पीरियड बता दिया, इतने अच्छे से पढ़ लिया हमने, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है नीट। तो आज इस पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप बोलेंगे, अगर आपका अच्छा लग रहा होगा तो मैं पार्ट 2 डालूंगा इसका और पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, ज्यादा देर का ये चैप्टर और नहीं बचा है। कुछ ट्रेंड्स हैं जिसको देखना बहुत जरूरी है, अक्सर नीट में उस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 10-20 क्वेश्चंस जरूर करेंगे हम आगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करेंगे, और इसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाला हूं, तो या फिर आप जो कहें मैं वही शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 12th शुरू करना चाहते हैं तो 11th के कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं जिसको जरूर कवर करके जाइएगा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना, बहुत तकलीफ होगी, फिर ऐसे क्लास में ऐसे करके देखते रहिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऐसे बाउंस जाएगा, है ना। तो पढ़ना ऐसे, पढ़ना कम है, लिखना ज्यादा है और सोचना उससे भी ज्यादा, पढ़ना ऐसे है कि हर एक क्वेश्चन बन पाए, है ना, और क्वेश्चंस इतना प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम हॉल में जाए तो ऐसा ना लगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया हमने तो कभी देखा ही नहीं, नहीं इतना क्वेश्चन करके जाएंगे कि सारा क्वेश्चन देखा देखा सा लगे सर, समझा समझा सा लगे, और कितने के तो ऑप्शंस ऐसे याद हो जाएं, देखते टिक मार के आ जाए हम ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनको तकलीफ होगी चैप्टर को समझने में, हम चैप्टर सीरीज 2 जो इसका पार्ट 2 है बहुत जल्दी लाएंगे।